सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दोषी करार दिया। फैसले के कुछ ही देर के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। राहुल गांधी जी तो आज कोर्ट ने इंडियन पिनल कोड 499 और 500 के तहत दोषी पाया है और राहुल गांधी जी को सेक्शन 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई है। कायदे में ऐसा प्रोविजन है कि जब आरोपी अपील में जाना चाहते हैं ये ऑर्डर के अगेंस्ट में तो नामदार कोर्ट को एप्लीकेशन टेंडर करता है, अपील पीरियड तक उनकी सजा सस्पेंड की जाए और उनको जमानत दी जाए। तो राहुल गांधी जी की तरफ से उन्होंने बेल पे रिलीज होने के लिए एप्लीकेशन टेंडर की थी और सजा सस्पेंड करने के लिए कोर्ट को विनंती की थी। कोर्ट ने 30 दिन जो कायदे में प्रोविजन है 30 दिन का टाइम उनको दिया है अपील के लिए। अगर 30 दिन पे अपील नहीं करना है तो फिर ये सजा के लिए उनको हाजिर रहना पड़ेगा कोर्ट में। तो ये जो जमानत मिली है 30 दिन के लिए जमानत मिली है, विद इन 30 डेज ही हैज टू फाइल एन अपील एंड उपली कोर्ट से सेशन कोर्ट से जमानत पे रिहा होना पड़ेगा उनको। दैट इज बेसिक प्रिंसिपल एंड दैट इज प्रोसीजर। राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है। राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के नेता और विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने खिलाफ कथित मोदी सरनेम टिप्पणी में दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाए जाने के बाद ट्वीट किया, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा ईश्वर है, अहिंसा इसे प्राप्त करने का साधन है। महात्मा गांधी। मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। राहुल गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कुलार में आयोजित जनसभा में की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।